दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव पंचायत अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाने वाली सुमन सिंह पांचवी महिला जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में पदासीन होंगी। प्रदेश में सरकारें बदली तो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन अध्यक्ष भी हस्तियां भी बदली हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। भाजपा की सरकार प्रदेश में आई तो यहाँ पर भी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर हस्ती का बदलना तय था और वही हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर समाजवादी पार्टी के बंशीधर राज के इस्तीफे के बाद चुनाव की स्थिति आई और चुनाव में एकल नामांकन रहा सुमन सिंह का। भले वह प्रत्यक्ष रूप से भाजपा से नहीं जुड़ी थी लेकिन भाजपा के समर्थन से उनकी जीत तय होने को आ गई और एकल नामांकन के कारण उनका कल निर्विरोध निर्वाचित होकर प्रमाण पत्र मिलना तय है। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर सुमन सिंह एक ऐसी अध्यक्ष होंगी जो पांचवी महिला अध्यक्ष के रूप में आसीन होंगी। अभी तक की स्थिति यहाँ की यही रही है कि जब जब चार पहले महिलाएं रही हैं तो जिला पंचायत को एक जिला पंचायत अध्यक्ष के बजाय प्रत्यक्ष रूप से दो दो जिला पंचायत अध्यक्षों को देखना पड़ा है, फेस करना पड़ा है। सुमन सिंह के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के बाद क्या ये स्थिति बदलेगी या फिर वही स्थिति दो जिला पंचायत अध्यक्ष की रहेगी, ये देखना है। जिला पंचायत परिसर से mylakhimpurkiri.com के लिए संजीव पाहवा। ग्रामीण डाक सेवकों का धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी हेड पोस्ट ऑफिस के सामने जारी रहा। का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। हम लोग अपनी मांगों को लेकर के आज 16 तारीख 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारा सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई है, जिसको हम लागू कराने के लिए ये हड़ताल का मजबूरन हमको हड़ताल का आसरा लेना पड़ा है। इसको हड़ताल पर हम लोग अनिश्चितकालीन बैठ गए हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग हड़ताल को वापस नहीं करेंगे। रोक के बावजूद कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनकारियों के आने से परेशान जिला प्रशासन ने मेन गेट को बंद करा दिया है। शिक्षा मित्रों में सपा के प्रदर्शन के बाद यह कदम उठाया गया। अब विलोबी मैदान में ही धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम हो सकेंगे। इस गेट से केवल पैदल ही अंदर जाए। पकड़ धकड़ में माहिर पुलिस को आज तब भारी मशक्कत करनी पड़ी और पसीने पसीने हो गई जब अवैध रूप से अतिक्रमण कर पार्क की गई एक कार को लदवा कर नगर पालिका तक पहुंचवाना था। लंबी चली प्रक्रिया में किसी तरीके से इस गाड़ी को ला तो लिया गया लेकिन ले जाते समय फिर ये संभव नहीं हो पाया और बाद में वाहन स्वामी के आने पर उसी के साथ इस गाड़ी को चलाकर ही नगर पालिका तक पहुंचाया जा सका। इस दौरान एसडीएम सदर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तथा ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भी मौके पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मौजूद थे।
बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने चल रहे शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को आज सपा के नेताओं ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। समय को देखते हुए बहुत कम समय दिया गया है कि सूची बहुत लंबी है। मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, और जब लखनऊ चलेंगे तो ये जरूर आंदोलन में एक बात उठेगी कि आप शिक्षा मित्रों से कह रहे हैं कि टिट कर दीजिए। टिट 2010 के बाद आई, आप जितने 2010 के पहले सारे अध्यापक निकाल दो हम राजी हैं। आप उनको निकाल दिए 2010 के पहले जो बीटीसी कर चुके थे, आप उनको निकालिए। मैं देखता हूँ कि कितनी बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश सरकार में। आपने उनको क्यों नहीं निकाला? क्या वो टिट है? वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? वो यूपीएस में प्रमोशन के साथ भी जुड़ गए, वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? उनका दावा नहीं है नौकरी करने का, जब शिक्षा मित्र बीटीसी है और शिक्षा मित्रों ने 17 साल सेवा की है, और जो 17 महीने भी सेवा नहीं किया खाली बीटीसी करके नौकरी क्यों कर रहा है? 2010 के पहले वाले सब निकाल दो, क्योंकि आज थाना मैगलगंज के ग्राम बेहणा जोरावर निवासी प्रहलाद की बीती रात गला काटकर हत्या कर दी गई। प्रहलाद रात में खेत की रखवाली के लिए अपने खेत पर ही सोया था, तभी ये घटना हुई। बदमाशों ने वहीं रखी बाल्टी में खून से सने हाथ धोए और पास थाना मितोली पुलिस ने वर्ष 2016 से वांटेड अपराधी बनवारी पासी निवासी नीमचेनी को गिरफ्तार किया है। साथ दुराचार करने के आरोपी मोहन की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक एस चन्नप्पा को सम्मानित किया है। गौरतलब है कि मोहन जेल से फरार हो गया था तथा 12,000 रुपये का इस पर इनाम घोषित। दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू